नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा रोजगार हब बनेगा गोंडा जनपद। गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि 5 वर्ष के कार्यकाल में गोंडा जनपद को विकास की तरफ अग्रसर करते हुए सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर रूप से कार्य किया है तथा गोंडा जनपद में कृषि विश्वविद्यालय की स्वीकृति तथा ITI फैक्ट्री मनकापुर का जीर्णोद्धार करा के अधिक से अधिक बेरोजगार युवकों को रोजगार की तरफ अग्रसर किया गया है। उन्होंने बताया कि हमेशा जनता के हित के लिए निरंतर रूप से कार्य करने के लिए मैं उपलब्ध रहता हूं। जो भी पीड़ित फरियादी मेरे दरवाजे पर आता है या मुझे कहीं से भी पीड़ित व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है तो उसे अवश्य न्याय दिलाया जाता है। मुझे गोंडा जनपद में कहीं से भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो ऐसे अधिकारी को अवश्य दंडित कराया जाता है। गोंडा सांसद के अथक प्रयास से जनपद में निरंतर रूप से विकास हुआ है तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तथा युवा बेरोजगारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की तरफ सांसद निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। सांसद गोंडा से पत्रकारों द्वारा यह सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह कहा गया है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, पत्रकार का सम्मान करना हमारी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। यदि पत्रकारों के साथ किसी के द्वारा अभद्रता की जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रकरण पर सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह से रिपोर्टरों द्वारा सवाल पूछा गया कि आपके लोकसभा क्षेत्र में हरि नारायण सिंह वर्मा द्वारा पत्रकारों के साथ निरंतर रूप से अभद्रता की जाती है। इस पर सांसद गौंडा ने कहा, जो अधिकारी पत्रकारों के साथ अभद्रता करता है वे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आप जानना चाहते हैं? अरे, हम लोगों का मुद्दों कमी है। सबसे पहले विकास का मुद्दा, देश का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, बच्चों का मुद्दा। हम लोगों ने तो सब विषय पे काम किया। हमारी पार्टी ने हर विषय पे काम किया है। आप देख रहे कितना सड़कें बन रही हैं, आपके यहाँ अस्पताल आ गया है, छपिया में बिजली घर आ गया है। सब मात्र 2 साल में यहाँ की सरकार द्वारा हुआ है और बाकी जितने योजना है जो केंद्र सरकार दे रही है वो भी आपके सामने है। तो बताइए, 5 लाख का आपका भारत आयुष्मान योजना चल गई है। कौन सी गरीबों के लिए कौन सा क्षेत्र बचा है जिसमें हमारी सरकार ने योजना ना दी हुई है, बताइए, है ना? तो वो तो है ही है सर। मीडिया और कुछ चैनलों ने सर्वेक्षण किया, आज आप सर लोकप्रियता में गोंडा जनपद की 68% में है। अब मैंने नहीं पता ये, लेकिन नहीं सर, मीडिया ने सर्वेक्षण किया 68% में है सर। क्या ये लोकप्रियता बढ़ेगी या इसका ग्राफ नीचे जाएगा? अब मैं ये देखिए, मेरी जो मेरा जो कर्तव्य है जी सर, या मेज पे जो जनता जिम्मेदारी सौंपती है हमको, वो निभाना है, वो पूरा करना है। यहाँ के जो कोई भी किसी की दिक्कत होगी आपने देखा ही, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई विषय हो, उस पर हम लोगों को काम करना रहता है। और जो जनता हम लोग को वोट देती है, यही अपेक्षा रहती है कि जब उनके ऊपर कोई उनसे कोई अन्याय होगा, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, या जो सरकारी योजना है नहीं पहुंचेंगी, तो वो सब हम लोगों की जिम्मेदारी रहती है। कि आप देखिए, राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? राजनीति का उद्देश्य केवल ताकत या सत्ता नहीं होती, राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए सोशल वर्क जी सर, है ना, सामाजिक कार्य। और जब तक उसको लेके कोई भी हम है, कोई भी है, जो भी राजनीति में है, अगर उसका जो सबसे मुख्य पहलू है कि आप समाज सेवक बनिए, अगर वो भूल जाएगा तो उसकी लोकप्रियता कम होनी ही है जी सर। और आप समाज सेवी बने रहेंगे तो देखिए, चुनाव आता है जाता है, पार्टियां हारती हैं जीतती हैं, कैंडिडेट हारते हैं जीतते हैं, लेकिन लोगों में एक जगह हमेशा बनी रहेगी एक समाज सेवक करने के लिहाज से जी। तो ये है सर, क्या गोंडा जनपद की कानून व्यवस्था से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? देखिए, पूर्ण रूप से अगर कानून व्यवस्था की बात करिए तो कोई ना कोई दुखी रहता है, कोई ना कोई संतुष्ट रहता है। इस पे 100% तो कोई कभी किसी चीज से नहीं संतुष्ट रहता है, ना 100% कोई सरकार से संतुष्ट रहता है, ना 100% कोई व्यवस्था से संतुष्ट रहता है। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि पहले की सरकारों, पहले के जो जमाने थे उससे तो लाख दर्जे अच्छी होगी कानून व्यवस्था। सर, ये चीज ये जानना चाहते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में सर पत्रकारों पे के साथ अभद्रता की जा रही है, उन पर हमला किया जा रहा है सर, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती जनपद में कहा कि पत्रकारों के सम्मान के लिए हमेशा हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है, सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर ऐसा कहीं घटना हुई तो उसका मुझे बेहद दुख है, ये कतई ना होना चाहिए। पत्रकार की एक बहुत अहम भूमिका होती है समाज में,
समाज की कोई भी गलत काम हो रहा हो, कहीं गड़बड़ी हो, तो हम लोग खुद ही पत्रकार लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। हम कहते हैं कि कहीं गलत काम हो रहा हो, बताइए, अवगत कराइए, आप लोग भी लड़ाई लड़िए। तो अगर पत्रकारों के साथ बिना किसी बात के अभद्रता हो रही है, किसी मान लो कोई बात भी मगर अभद्रता, या कोई अपना कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कोई बात हो तो सक्षम अधिकारी से बात कर ले, कोई चीज हो, कोई शिकायत हो तो बात कर ले। लेकिन इस टाइप का कि बदतमीजी हो रही हो, मार पिटाई हो रही है, कतई नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और पत्रकार तो फिर भी बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है हमारे समाज का, तो उनके साथ तो कतई नहीं होना चाहिए। तो क्या सर पत्रकारों के साथ आप हैं? हाँ, देखिए जहां तक सही बात है, सही मुद्दा है, सही विषय है, तो मैं 100% साथ। जी जी, थैंक यू सर। सर एक चीज, मंदिर के मुद्दे पे सरकार फोकस अधिक करेगी या विकास के मुद्दे पर? अब ये तो आपको उस समय समझ लेना चाहिए था जब 2014 के चुनाव हुए नहीं थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज अपने प्रधानमंत्री हैं, उनसे उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनाव हो रहा था, और उनसे किसी ने पूछा था यही चीज, मीडिया के लोगों ने पूछा था, तो उनका तो एक लाइन का जवाब था कि देश को शौचालय की ज्यादा जरूरत है। यानी कि शौचालय, यानी कि और शौचालय नहीं लेकिन विकास की, जो गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं। तो देखिए मंदिर की अपनी जगह है, वो आस्था का विषय है, लेकिन देश जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं होगा, तो सरकार को वोट लोग विकास के लिए देते हैं। जी सर, मुख्य चीज है जी, मुख्य चीज विकास है देश के लिए, और मंदिर एक आस्था की चीज है। उस पर तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट कही रही है, हमारी पार्टी कही रही है कि हम लोग भी मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन कानून का अवहेलना करते हुए नहीं बनाएंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए रुके हैं। अभी अलग बात है कि कांग्रेस वाले बार बार जाके सुप्रीम कोर्ट में रोड़ा अटकाते हैं, कभी टाल दिया जाए, फैसला टाल दिया, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए जी सर, मगर कब तक टाल पाएंगे भाई। सर आपको विकास पुरुष कहा जाता है, सर एक उपलब्धि लोकसभा क्षेत्र से बता दीजिए। सर देखिए, मुझे ये नहीं पता मुझे विकास पुरुष क्यों कहा जाता है, मैं कोई अन्य काम में नहीं लगा हूं, ये मेरा घर है, परिवार है, और इसके लिए जो कुछ भी संभव उसकी उसी में हम लोग लगे रहते हैं। चाहे वो बलरामपुर में सन 1971 से सन 1977 से मांग थी रेलवे लाइन की कनेक्ट किया जाए जी, वो हम लोग करवा ले गए 4,900 करोड़ की योजना, और करीब करीब 5,000 करोड़ की योजना है। अब आजादी के बाद से इतनी बड़ी योजना एक साथ बहुत कम आई होगी, 220 या 225 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जी। अब यही एक अगर काम को लिया जाए तो हमारे ख्याल से बहुत बड़ा काम सरकार की वजह से, हम लोग तो कल मेहनत करने वाले हैं, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समस्या समझी, उन्होंने इसका निदान कर दिया, सैंक्शन हो गया। इस तरह देखिए, सड़क और बिजली तो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं, जैसे हमारी ITI फैक्ट्री है, ITI फैक्ट्री बंद होने के कागार पे थी जी। और यही नहीं, सरकार में ये रिकमेंडेशन जा चुका था कि सारी ITI बंद की जाए, यानी कि 5 ब्रांचेज हैं, श्रीनगर से लेके आपके दक्षिण भारत तक, रायबरेली तक, 5 सब बंद हो रही। यहाँ के लोग मुझसे मिले, मैं प्रधानमंत्री से मिला है ना, और प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कहा कि इसको तो बंद करना पड़ेगा। हमने कहा सर इसको ऐसा अभी मत करिए, एक चांस दे दीजिए, नहीं तो ये होगा कि कांग्रेस के टाइम में ITI लगी थी और BJP के टाइम में बंद हो गई, और इसमें आगे बढ़ने की, प्रॉफिट में आने की, काम करने की बहुत बड़ी क्षमता है, और केवल क्षमता नहीं, हम कम्युनिकेशन एक स्ट्रेटेजिक। गोंडा जनपद से अरुण त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।